हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हो, ये एक चाइना किट है। ये किट का जो प्रॉब्लम, ये मेरा एक दोस्त मेरे पास लेके आया है और ये पिक्चर टिप और लाइन देने के बाद दोस्तों फास्ट इसका बहुत कुछ प्रॉब्लम था, वो रिपेयर किया है। इसका जो डायोड शॉर्ट था, ये डायोड वो चेंज किया है, और ये पीसेट प्रॉब्लम था, पीसेट चेंज किया है, और इसका पास ये ट्रांजिस्टर चेंज किया है। ये चेंज करने के बाद इसका जो पावर सप्लाई है 110 वोल्ट ओके किया है। ठीक ठीक है, इसका 110 वोल्ट ओके करने का बाद जब वो पिक्चर टिप और लाइन दे दिया, देने के बाद पिक्चर टिप का ऊपर ये जो फाइनल एनोड होता है, यह ऐसे चट 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 बहुत ज़ोर से आवाज़ होता है और फायरिंग होता है। तो दोस्तों इसलिए जो जो ट्रिक उसका पास है वो सब कुछ यूज़ किया है, पिक्चर टिप पूरा साफ किया है और अलग जो तरीका होता है सब कुछ किया है। तो दोस्तों उसके ऊपर मेरे चैनल पर दो दो एक वीडियो है, और वो सब कुछ करने के बाद तब भी इसका जो फायरिंग वो सॉल्व करने का उसका आइडिया है, तो इसलिए वो मेरा पास लेके आया है। तो लगता है कि इसका जो ESD जो फाइनल एनोड जो वोल्टेज आउटपुट, यह बहुत हाई निकलता है, इसलिए इसका प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों ठीक है, ये PCB को मैं छोटा सा वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट ये PCB को मैं बाहर से पिक्चर ट्यूब पर मैं अभी नहीं लगाऊंगा, बाहर से एक बार टेस्ट करूंगा इसका आउटपुट कितना आता है। ठीक है, एक्चुअली ये पिन पर वोल्टेज आप चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका यहाँ से जितना वोल्टेज आउटपुट होता है ये चेक करने का लिए, ये जो डिजिटल मीटर होता है इस पर वो रेंज नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अलग तरीक़ा से आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो इसलिए मैं मीटर सॉरी PCB को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो ये बेस भी चेंज किया है, और ESD कैप को मैं बहुत दूर रख देता हूँ, लकड़ी से बहुत दूर रख दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं AC कॉर्ड पहले से ही कनेक्शन किया है, और उसके बाद एक बार लाइन देके इसका मेन सप्लाई देखूँगा, क्योंकि ESD सप्लाई हाई होने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, और ESD सप्लाई लो हो जाएगा तो उसका ESD जो वो लो बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं मीटर का नेगेटिव कॉर्ड मैं ट्यूनर का साथ लगा देता हूँ, और उसका बाद मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, उसका बाद एक बार लाइन देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए मैं लाइन दे दिया है, और ये देखिए इतना ज़ोर से फायरिंग हो रहा है, क्योंकि मैं दूर से रखा है ESD कैप को, तब भी वो ये लकड़ी का साइट आ गया। तो ठीक है, इसका ESD सप्लाई एक बार चेक करता हूँ, इसका ESD सप्लाई बिल्कुल ओके है। ठीक है, ये देखिए ESD सप्लाई है। तो दोस्तों इसका बाद जो देखना होता है कि जो 180 वोल्ट लाइन, दोस्तों इसका 180 वोल्ट लाइन का वोल्टेज अभी देखिए, यह अभी 180 वोल्ट है। ठीक है, तो ठीक है, मैं इस सेट को स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस टाइम ज़्यादातर रखेगा तो यह आउटपुट ट्रांजिस्टर भी काट जाएगा। तो दोस्तों अभी आउटपुट ट्रांजिस्टर बहुत हीट हो गया है। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है आपको इस वीडियो में देखूँगा। ये जो दोस्तों ये 180 वोल्ट लाइन पर 180 वोल्ट अभी आ गया, क्योंकि इस पर ये PCB ओपन करके ये PCB पर लाइन देने के बाद इस पर 180 वोल्ट नहीं आता है, 130 और 50 वोल्ट और 60 जो 100 इस टाइप वोल्टेज आता है। ठीक है, तो जब पिक्चर टिप पर लाइन ये पूरा PCB कनेक्शन करने के बाद, तब भी इस पर 180 वोल्ट का आसपास होता है, और 180 वोल्ट का नीचे भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ठीक है, एक्चुअली ये ESD हाई बन रहा है, इसलिए ESD को लो करना होता है। कैसे ये लो किया जाता है तो आपको इस वीडियो में देखूँगा। एक्चुअली आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए ये ESD जो हाई बनता है, इसका जो रीजन होता है मेनली,
ये जो ESD सेक्शन का ये जो आउटपुट, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का जो पास अब देख लीजिए, ये एक PF है, ये 400 वोल्ट का एक PF है और ये 1600 वोल्ट का एक PF है और 2K भी PF भी हो सकता है और इस पर ये डायोड रेजिस्टेंस और PF भी है। एक्चुअली ये कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम होने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है और मेनली जो प्रॉब्लम होता है ये जो लाल वाला दो PF होता है। तो फर्स्ट ये जो 1600 वाला जो PF होता है, ये PF का वैल्यू मैं देखूँगा और ये एक बार चेक करूँगा और उसका बाद एक अलग PF लगा के देखूँगा, ठीक है। फर्स्ट ये PF को मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो PF है लाल वाला, ये PF का वैल्यू है 912J1600V। एक्चुअली इसका जो वैल्यू होता है 9.1 KPF। तो दोस्तों मेरा पास सेम वैल्यू का PF अभी नहीं है तो ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम वैल्यू में PF लगा के देखूँगा। ये जो PF है इसका जो वैल्यू ये 6.8K का PF है और 1600 वोल्ट PF है। तो ये PF मैं लगा के एक बार आपको चेक करके देखूँगा। तो ये PF को मैं कनेक्शन काट देता हूँ इस पोजीशन पर। कनेक्शन काट देने के बाद मैं एक बार सप्लाई दे के आपको वोल्टेज का साथ चेक करके देखूँगा। दोस्तों मैं एसेट पर लाइन दे दिया है, आइए उसका बाद एक बार वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। Hey there. दोस्तों देख लीजिए इसका जो ये 110 वोल्ट लाइन, मीटर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और दोस्तों देख लीजिए इसका जो 110 वोल्ट, ये 110 वोल्ट ओके है। और उसके बाद आपको देखूँगा जो 180 वोल्ट, पहले जो वो लाइन देने के बाद साथ साथ 180 वोल्ट आ जाता, वो लाइन पर एक बार चेक करके देखना होगा कि उस पर अभी कितना वोल्ट है। दोस्तों आप देख लीजिए ये 180 वोल्ट लाइन पर अभी 152 वोल्ट आ गया, लगता है कि ये PCB नॉर्मल हो गया है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम के लिए ESD भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये PCB पिक्चर ट्यूब पर लगाने के बाद तब भी इस पिन पर 180 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है और ये जो PF आपको चेंज करके दिखाया, ठीक है, ये खूब वाइटल PF है। ये PF कभी ओपन करके PCB पर लाइन मत दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये PF ओपन करके लाइन देने के बाद ESD इतना हाई होगा कि आपका पिक्चर ट्यूब भी काट जाने का चांस होता है। और दोस्तों ये PF खराब होने के लिए आउटपुट ट्रांजिस्टर बार बार का खराब हो जाता है। तो दोस्तों देखिए ये मीटर को मैं बार्जर रेंज पर रख के एक बार चेक करके देखाऊँगा, क्योंकि दोस्तों ये PF बार्जर रेंज पर रख के चेक करने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों लगता है कि PF ओके है और दोस्तों ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये मीटर पर शो होगा। दोस्तों ये PF शॉर्ट नहीं है। तो दोस्तों जब ओपन हो जाएगा ये PF कैसे चेक किया जाता है इसके ऊपर दोस्तों ये मीटर पर कोई ऑप्शन नहीं है, अलग मीटर मार्केट पर मिलता है। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट कीजिए ये PF एक्यूरेट चेक करने के लिए मीटर आपके पास है, आपके पास है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपके पास कौन सा मीटर है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक्चुअली ये PF चेक करने के लिए जो मीटर मार्केट पर मिलता है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देगा, वो दोस्तों अमेजन से आप खरीद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपके पास कौन सा मीटर है जिस मीटर पर ये PF आप एक्यूरेट चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आइए उसका बाद आप ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ अमेजन एफिलिएट लिंक देख के रखा हूँ, उस पर जाके आप लिंक क्लिक करके कुछ भी प्रोडक्ट आप खरीद कर सकते हो। और दोस्तों कुछ दिन पहले मैं एक टेलीग्राम चैनल और ग्रुप बनाया, वहाँ पर आके आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख के रखा है।